दोस्तों बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें यूपी में भूसा बनाने वाली मशीन से निकली चिंगारी, 250 एकड़ गेहूं की फसल जलकर राख हो गई है। बता दें उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में भूसा बनाने वाली मशीन से चिंगारी निकलने के बाद डेढ़ दर्जन से ज़्यादा गांवों में किसानों की खड़ी फसल जलकर राख हो गई। दमकल की कई गाड़ियों ने मिलकर आग पर किसी तरह काबू पाया है। दोस्तों बता दें आग इतनी भयानक थी कि कुशीनगर जिले से कुछ दमकल की गाड़ियां मंगवानी पड़ी। इस मामले पर जिलाधिकारी ने बताया कि किसानों को उनकी फसल के नुकसान का मूल्यांकन कराकर उन्हें मुआवजा देने का ऐलान किया जाएगा। दोस्तों बता दें महाराजगंज जिले में किसानों की 250 एकड़ के करीब फसल जलकर राख हो गई। इस घटना में करीब डेढ़ दर्जन से ज्यादा अधिक गाँव के सीमान प्रभावित हुए हैं। दिन भर दमकल की गाड़ियां आग बुझाती रहीं। भीषण आग में पचदेवरी समेत रामपुर उपाध्याय मोतीनगर धनहा नायक के सिवन तक लगभग 200 एकड़ फसल जलकर राख हो गई है। जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने जनपद के किसानों से अपील की है कि जब तक खड़ी फसल कट नहीं जाती तब तक स्ट्रा रीपर मशीनों का उपयोग न किया जाए। डीएम ने बताया कि इसके लिए गांव में चौपाल के माध्यम से जागरूक किया जाएगा, साथ ही आग की घटना से किसानों के नुकसान का मूल्यांकन कराया जाए, जो भी मुआवजा बनेगा जल्द ही किसानों को दे दिया जाएगा। दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें बारामंकी में खेत में उठती आग की लपटें देखकर बुलाई गई पुलिस। बता दें उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के कोठी क्षेत्र में एक ओनर किलिंग का मामला सामने आया, जहां पर केजीबी आवासीय विद्यालय केसरगंज से पढ़कर वापस आई छात्रा की पीट पीट कर हत्या का आरोप परिजनों पर लगा है। बता दें ग्रामीणों का कहना है कि परिजनों ने उसके शव को खेत में ले जाकर जला दिया। खेत में उठती आग को देखकर सूचना पुलिस को दे दी गई। पुलिस के आने की भनक लगते ही परिजन अध जला शव छोड़कर मौके से फरार हो गए हैं। पुलिस मृतक छात्र के परिजनों की तलाश कर रही है, साथ ही गांव में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। दोस्तों मामला कोटी थाना क्षेत्र के डेडिया गांव का है। पुलिस के अनुसार यहां के निवासी बिंदा प्रसाद की बेटी रोशनी सिद्धोर्थ केसरगंज स्थित केबीजी आवासीय विद्यालय में 8वीं क्लास में पढ़ाई करती थी। 15 दिन पहले वो बोर्डिंग स्कूल से होली में छुट्टी पर गांव अपने घर गई थी। बीते सोमवार की रात करीब 11 बजे परिजन छात्र के शव को खेत में जला रहे थे, जिसकी सूचना आसपास के ग्रामीणों ने पुलिस को दे दी। दोस्तों सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और देखा कि खेत में छात्रा की लाश जल रही है। आग को बुझाकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इस मामले पर अपर पुलिस अधीक्षक मनोज पांडे ने बताया कि छात्रा का शव खेत में जलाया जा रहा था। जब मौके पर कोठी पुलिस पहुंची तो परिजन फरार हो गए। इस मामले की जांच की जा रही है। आरोपियों के घर जाकर देखा तो ताला लगा हुआ था। पुलिस का कहना है कि डॉग स्क्वाड और फोरेंसिक टीम बुलाकर मौके से मिले खून के धब्बे और खेत में मिले अधजले शव को आवश्यक परीक्षण के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया गया। इस मामले के खुलासे के लिए पुलिस टीमें लगा दी गई हैं। फरार परिजनों के पकड़ के आने के बाद घटना का खुलासा हो पाएगा। आरोपियों की तलाश में पुलिस जगह जगह दबिश दे रही है। पुलिस हत्या और आत्महत्या दोनों पहलुओं पर जांच चल रही है। शव के बचे हुए हिस्से का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। रिपोर्ट आने पर ही मौत की अगली वजह का पता चल